नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज के वीडियो में Asus 8G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर Asus के 8 सीरीज की बात की जाए, जिस सीरीज के अंदर हमें काफी अच्छे और पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, ये स्मार्टफोन छोटा होने के साथ साथ काफी पावरफुल है, उसके साथ एक कमाल के फीचर साथ आता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर स्मार्टफोन को कहा जाए तो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम वही स्मार्टफोन होने वाला है जो चाइना के अंदर Asus Zenfone 8 के नाम से लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर Asus Zenfone 8 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों गिवअवेज लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसे मेरे सामने ये Asus Zenfone 8 का बॉक्स है, ऊपर 8 और नीचे हमें Asus Zenfone लिखा गया है, और बॉक्स से पीछे की बात की है, पीछे हमें IMEI स्टिकर्स और कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स अंदर क्या क्या मिल जाते हैं। तो फ्रंट बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक पतला सा लीड मिल जाता है, उसके ऊपर हमें 8 लिखा गया है। उसको ओपन करने के बाद हमें एक सिम इजेक्शन पिन मिल जाता है, उसके बाद हमें एक मोटी चौड़ी कुछ ज्ञान की बातें मिल जाती है, पेपर वर्क मिल जाता है, एक हमें हार्ड प्लास्टिक केस मिल जाता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और उसके ऊपर हमें Asus Zenfone लिखा गया है, और उसके बाद ये हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन है पूरी तरह से प्लास्टिक रैप्ड, जिसको रखते साइड में। और बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो हमें मिल जाता है एक ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारा 30 वाट का फास्ट चार्जर, और इस चार्जर के पीछे हमें टाइप सी आउटपुट मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड, इसको रखते साइड में, और हमें मिल जाता है एक टाइप सी टू टाइप सी USB केबल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं मैंने अपने स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन के ऊपर से मैंने इसके प्लास्टिक रैप को रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद अगर स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात की जाए तो फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं ये साइज़ में काफ़ी छोटा है और हमारे हाथों में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो फ्रेंड, स्मार्टफोन के रेयर डिज़ाइन की बात की जाए तो रेयर में हमें काफ़ी अच्छा और प्यारा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, सेंटर में हमें Zenfone की ब्रांडिंग मिल जाती है, और स्मार्टफोन के पीछे हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, और ये स्मार्टफोन का फ्रेम एल्युमिनियम से बना हुआ है, और फ्रंट में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टस मिल जाता है जो अब तक का सबसे टफेस्ट ग्लास है, और फ्रंट में हमें साइड पंचर स्टाइल में काफ़ी पतले और हल्के वजह के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, इसके अंदर हमें 5.9 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को सपोर्ट मिल जाता है, जो वह 20 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है HDR 10 प्लस के साथ। इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। और स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 11 के साथ Zenfone UI 8 का सपोर्ट मिल जाता है, और स्मार्टफोन की अगर प्रोसेसर की बात की जाए, इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 888 एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 5 नैनोमीटर बेस्ड एक ऑक्टाकोर CPU है, और इसके अंदर हमें Adreno का 660 GPU देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन का अब तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, और इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। ये एक फ्लेक्सिबल वाला प्रोसेसर है, इसके अंदर हम मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग सभी चीज़ें बहुत ही आसानी और स्मूथली कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और स्मार्टफोन के मेन कैमरा की बात की जाए तो स्मार्टफोन के अंदर हमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, मेन का कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, और हमें एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा डेगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट की बात की जाए फ्रंट में हमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर में, इसके अंदर हमें ज़्यादा एडिशनल कैमरा देखने नहीं मिलते, लेकिन जितने भी हमें कैमरा इसके अंदर मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कैमरा सैंपल देख रहे थे वो इसी स्मार्टफोन से लिए गए हैं। तो स्मार्टफोन की ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, और वीडियो के इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन भी सपोर्ट मिल जाता है, और स्मार्टफोन के अंदर हमें स्टूडियो स्पीकर का भी सपोर्ट मिल जाता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर हमें 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एक फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन के अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और स्मार्टफोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी एफिशिएंटली और फास्टली वर्क करता है। और स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर हमें 4000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है जो 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाती है, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 28 फरवरी को फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो रहा है, और इसकी प्राइसिंग लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में होने वाली है। तो फ्रेंड, अगर स्मार्टफोन की ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन साइज के अंदर काफ़ी छोटा है, अगर आप एक कम्पैक्ट और पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और उसके अंदर हमें बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। ये देखने में छोटा लगे, इसके अंदर हमें सभी फीचर्स काफ़ी अच्छे और प्रीमियम मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक छोटा और कॉम्पैक्ट फ्लेक्सी लेवल के स्मार्टफोन को पिक करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।